नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी की राजधानी के दारुल सफा कॉमन हॉल में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक यूपीएन इंडियन नेशनल सुगर मिल्स वर्कर फेडरेशन की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राज बब्बर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की श्रम विरोधी नीतियों की निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों को एकजुट होकर संघर्ष करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी श्रमिकों के हित के में किए जा रहे किसी भी संघर्ष में कांग्रेस सदैव साथ देगी। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं इंडियन नेशनल सुगर मिल फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि भारत कामगारों का देश है। हम देश के किसान, नौजवान और तिरंगे के लिए ये संकल्प लेते हैं कि इनके हितों के लिए हम किसी से भी टकरा जाएंगे। आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ से सबसे तेज न्यूज की रिपोर्ट। मजदूर, किसान, नौजवान त्राही त्राही कर रहा है, परेशान। जिस तरह से आज की मौजूदा सरकार हर कुछ मेहनत करने वाले का हक छीनने का काम किया है, जिस तरह से आज की सरकार ने उस गरीब के बच्चों की उम्मीदों को गला घोटने का काम किया है, आज हर जगह तमाम वो संगठन मजदूरों के संगठन एकजुट हो रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि दिन तक इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आशीर्वाद दिए। आज वो तमाम इंटर के लोग एकजुट होकर इकट्ठा होकर आज इस बात को लेकर के चिंता भी व्यक्त की है और आह्वान भी दिया है कि अगर सरकार जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी अपनी हरकतों से बात और उसके लिए उनकी जो रूपरेखा होगी, उनका जो आह्वान होगा, उस पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो इस देश को, जो इस देश के नौजवानों को एक बेहतर भारत की तरफ उस उम्मीद को मजबूत करना चाहते हैं, किसान और मजदूर के बीच और उस नौजवान के अंदर जाएगी, उम्मीद के साथ धोखा होगा। देश के हर फ्रंट पर हमारे साथ धोखा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।